शुक्रवार को कांग्रेस छोड़ आपका दामन थामने वाले पार्षदों ने घर वापसी कर ली है। कांग्रेस की दो मुस्लिम महिला पार्षद ने कांग्रेस दिल्ली उपाध्यक्ष के साथ कल यानी 9 दिसंबर 2022 को आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। आपकी सदस्यता ग्रहण करने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने घर वापसी की। इस दौरान उन्होंने जनता से माफी मांगी और साथ ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कांग्रेस में वापसी की। बता दें कल शाम आप में शामिल हुए पार्षदों में मुस्तफाबाद से पार्षद सबला बेगम और ब्रिजपुरी से पार्षद नजिया खतून है। वहीं दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी ने भी आपका दामन थामा था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इन तीनों ने अपना स्टैंड बदल लिया और घर वापसी की। इसके बाद दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी सोनिया गांधी समेत अपने क्षेत्र के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा सबीला बेगम और नाजिया खातून ने भी अपनी वापसी का वीडियो डाल दिया है। अब वह पहले की ही तरह कांग्रेस में है और हमेशा कांग्रेस में रहेंगी। उन्होंने अपने वीडियो में कहा उनके पिता 40 साल से कांग्रेस में हैं, वह खुद शुरू से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं। मुझे कोई पोस्ट नहीं चाहिए, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता राहुल गांधी का कार्यकर्ता बन के रहूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं उस गलती की राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से और कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर था, हूं और रहूंगा। कांग्रेस पार्टी मेरे दिल में है, मेरे पिताजी 40 साल से वो कांग्रेस पार्टी में है। मुझसे जो गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं। मेरे निगम पार्षद ने भी, अभी हाजी खुशनूद ने, सबीला बेगम के हस्बैंड ने भी एक वीडियो मैंने उनसे डलवाई, उन्होंने भी डाल दिया। अभी जावेद चौधरी और हमारे बाकी ब्लॉक अध्यक्ष भी आ रहे हैं, वो भी ये वीडियो डालेंगे। और हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। अप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।